हाय, दिस इज विश्वास। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फूड स्टोर्स बेसिक्स के बारे में, जो स्टोर कैसा किया जाता है, उसका जो सिस्टम है। आज हम डिस्कस करेंगे कैसे हम फूड को स्टोर करते हैं, क्या करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पे मैंने कुछ लिखे रखा है फूड स्टोर बेसिक के बारे में। तो यहाँ पे तीन कैटेगरी में मैं डिवाइड किया है जो बेसिक हम लोगों को यूज़ होता है। पहले तो रिसीविंग से स्टार्ट होता है। कोई भी चीज़ हम लोग जब रिसीव करते हैं, कोई परचेस करने के लिए जब आपके पास आता है, तो पहले तो आपको रिसीविंग अच्छा से होता है पहले तो आपको रिसीविंग अच्छा से होना चाहिए। सेकेंड थिंग, उसको कौन सा जगह पे आपको स्टोर करना है उसको मालूम होना चाहिए। और थर्ड, जो कि आपका रेफ्रिजरेटर और फ्रिज, जो रेफ्रिजरेटर आइटम है तो उसको कैसा रखना है और जो फ्रीजर आइटम है तो उसको कैसा रखना है। तो इसी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले। तो वीडियो बहुत दमदार होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखिए। तो इससे आपको कुछ समझने को मिलेगा, और जिसको मालूम है तो ठीक है, जिसको मालूम नहीं तो उन लोगों के लिए इस वीडियो है। मतलब इस वीडियो में बना रहा हूँ उन लोगों के लिए जो कि उसको पता चले जो फूड को स्टोर कैसा किया जाए, क्या सिस्टम से काम किया जाए। तो इसी के बारे में आज वीडियोस बनाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला फूड स्टोर का जो मेन जो बेस होता है वो होता है रिसीविंग। रिसीविंग सही से किया तो आपका हर चीज़ सही से होता है। तो पहला स्टेप जो होता है रिसीव, जो हम ऑर्डर करते हैं, जो सामान जब आता है तो आप रिसीव प्रॉपरली करना चाहिए। कोई भी चीज़ आप सामान ऑर्डर करो, चाहे आप ग्रोसरी आइटम हो, डेयरी आइटम हो, कोई फ्रोजन आइटम हो, मटन चिकन कुछ भी हो जाए, तो आपको वो पहला ध्यान से रिसीव करना है। तो वो एक इंटेलिजेंट होना चाहिए, चाहे आपका स्टोर मैनेजर हो जाए, चाहे आपका शेफ हो जाए, तो आप रिसीव प्रॉपरली होना चाहिए। तो रिसीव कैसा करना है, जो हम सामान रिसीव करते हैं उसको कैसा होना चाहिए, तो आपको बताता हूँ। जैसा पहला तो आपको कोई भी आइटम्स आप आ रहे हैं, आपको एक पर्ची आता है, अब जब ऑर्डर करते हो तो उसके साथ आपको इनवॉइस बोलते हैं उसको, तो जब उसका बिल आता है तो उसके अंदर जो आइटम्स लिखा रहता है, तो सोचिए आपका मैदा आ गया, आटा आ गया, चावल हो गया, आपका कोई भी ग्रोसरी आइटम हो गया ऐसा आइटम वाइज, तो उसका जो सामान में लिखा हुआ रहता है उसके साथ साथ आपको रिसीविंग प्रॉपर कैसा, जैसा आपको आटे 10 किलो लिखा है तो 10 किलो आपको आना चाहिए, उसको वेट करके लेना चाहिए। और उसको पहले तो एक्सपायरी डेट देखना चाहिए, हर चीज़ को प्रॉपरली आपको चेक करना चाहिए उसका एक्सपायरी डेट कब का है, तो हिसाब से आपको रिसीव करना चाहिए। क्योंकि आप ऐसा चीज़ आप रिसीव किया है जो कि एक हफ्ते में वो ख़राब होने वाला है, बस उसका एक्सपायर होने वाला है, तो आप वो चीज़ लेके क्या करोगे, तो वो चीज़ को भी आपको ध्यान देना है। तो प्रॉपरली आपको कोई भी चीज़ को रिसीव करना है। सेकेंड, आपका रिसीव में होगा आपका, जैसा आपका फ्रेश वेजिटेबल्स होता है तो उसको भी क्वालिटी चेक करना होता है। जैसा कि आपको आलू हो गया, टमाटर हो गया, कैप्सिकम हो गया, तो इसमें भी कहना ये फ्रेश वेजिटेबल जो होता है ना, इसको कभी कभी ख़राब भी आ जाता है, कभी कभी छोटा बड़ा भी हो जाता है, तो उसको भी आपको समझना चाहिए कौन सा चीज़ में कौन सा क्वालिटी कैसा है, तो इस हिसाब से आपको रिसीव करना चाहिए। वेजिटेबल्स में भी हो गया, आपको ज़्यादातर डेयरी प्रोडक्ट जो हो गया, दूध हो गया, आपका पनीर हो गया, दही हो गया, तो ये चीज़ को भी आपको डेली बेसिस में यूज़ होता है, तो ये चीज़ को भी आपको ध्यान देना चाहिए। दूध का हमेशा एक्सपायरी डेट रहता है 2 से 3 दिन का, तो वो हिसाब से आपको रिसीव करना, आपको कंजम्पशन कितना है वो हिसाब से आपको देखना चाहिए। जो दूध आपके पास आया है तो उसका सेल्फ लाइफ कितना दिन का है, तो हिसाब से आप उसको रिसीव कीजिए। और कोई भी फ्रोजन आइटम जब आप लेते हो, फ्रोजन आइटम जैसे कि मटन का भी हो सकता है, चिकन का भी हो सकता है, तो ये कैटेगरी वाइज आपको जब रिसीव करते हो तो उसको टेम्परेचर भी नापना चाहिए। जैसे आप चिकन आ रहा है तो चिकन का जो टेम्परेचर आपको अभी फ्रेश जब आता है उसको फ्रोजन करना है, तो उसके लिए आपको वो हिसाब से आपको रिसीव करना चाहिए, जो प्रॉपर ठंडा है क्या नहीं, वो गर्म हो गया क्या, 5 डिग्री से ऊपर चला जाएगा, जितना नीचे होगा उतना अच्छा है, क्योंकि कम से कम टेम्परेचर होना चाहिए। उसको फ्रेश भी होता है तो आपको फ्रोजन में रखने तब तक उसको आपको चेक करना चाहिए। तो फ्रोजन आइटम जो है कम से कम उसको 15 डिग्री -15 डिग्री तो होना ही चाहिए कोई भी फ्रोजन आइटम, तो आपको हमेशा ये चीज़ को ध्यान देना है, और उसके साथ साथ उसका एक्सपायरी डेट भी देखना होता है। तो हो गया आपका रिसीविंग, जो रिसीव आपने अच्छा से कर लिया, ये हो गया आपका रिसीव। तो इसके बाद उसको स्टोर कैसा करें,
तो स्टोर करने के लिए आपको प्रोसेस जो आपको स्टोर अरे देखना है, जो आपका ग्रोसरी आइटम जो ड्राई प्रोडक्ट है उसका एक स्टोर अलग किया जाता है, और जो आपका जो फ्रिज का आइटम है, कोल्ड रूम का आइटम है, तो आपको उस चीज़ को हिसाब से उसको डालना है। जैसा आप पनीर हो गया, दूध हो गया, ये हम लोग को डेली बेसिस के टर्म में जो डेली यूज होता है, जो आइस ना बन जाए। और जो फ्रोजन आइटम है, जैसा कि आप चिकन को फ्रोजन कर सकते हो, आप जो हम लोग को डेली ख़त्म नहीं, तो जो ज़्यादा परचेजिंग है, जो ज़्यादा कंजम्पशन है, कम कंजम्पशन है, जो कि अपन ज़्यादा स्टॉक करना पड़ता है, जैसा फ्रोजन आइटम में आपका चिकन हो गया, फ्रेंच फ्राइज हो गया, पोटैटो वेजीज हो गया, ये क्या होता है ज़्यादातर हम लोग इसको स्टोर करते हैं फ्रोजन में, डीप फ्रीजर में। तो उसके लिए आपको कैटेगरी वाइज आपको उसको स्टोर करना है। डीप फ्रीजर का जो आइटम्स है तो आपको डीप फ्रीजर में रखना है, और उसको डेली रूटीन में उसको चेक करना होता है, जो पुराना जो रिफो का यूज़ करना होता है। आप जब कोई भी मतलब आप फ्रेश वेजिटेबल्स हो जाए, आपका ग्रोसरी आइटम हो जाए, और आपका फ्रोजन आइटम, इसमें भी आपको फिफो का स्टोर का पता होना चाहिए, क्योंकि अभी भी आप जब स्टोर करोगे जो आइटम्स हो गए आपका, जैसा आपने मैंने बोला फ्रिज का डीप फ्रीजर का आइटम आपको उस जगह पे रखना है। सेकेंड थिंग हो गया आपका, जब जो ड्राई आइटम होता है जो स्टोर का जो आड़े होता है, तो उस जगह पे आप जब कोई सामान स्टोर करते हो, कोई रैक होता है, जैसे आप स्टोर में देखोगे रैक होता है, तो रैक कभी भी फ्लोर में कोई सामान नहीं रखना है, उसका जो रैक होता है तो रैक का कम से कम फ्लोर से 6 इंच का ऊपर होना चाहिए, वो जो रैक्स का रैक होता है उसका हाइट, उसको ऊपर से आप सामान रखना होता है, आपका चाहिए मैदा हो गया, चाहिए आपका बटर आइटम हो गया। तो एक कैटेगरी वाइज अलग अलग सेक्शन बनाया जाता है, तो हिसाब से आप उसको रखना चाहिए। जो भी केमिकल आइटम होता है, लिक्विड जो भी होता है, सरफेस हो गया, आपका जो फिनाइल हो गया, एसिड हो गया, तो हम क्लीनिंग के लिए ये सब चीज़ यूज़ करते हैं, तो उसको भी एक पर्टिकुलर जगह होना चाहिए। वो फूड जहाँ पे रहता है तो वहाँ पे नहीं रखना चाहिए। तो फ्रिज में और रेफ्रिजरेटर में सामान रखोगे तो उसका, जब अभी कोई फ्रिज आइटम आप सामान रखते हो तो उसको अच्छे से पैक होना चाहिए, उसका ढक्कन खोला नहीं होना चाहिए था, अच्छे से पैक करके उसको अच्छे से स्टोर करना चाहिए। कोई भी फ्रिज आइटम हो, रेफ्रिजरेटर आइटम हो, फ्रिज का जो फ्रिज जो डीप फ्रीजर है तो डीप फ्रीजर का जो आइटम्स है उसको डीप में रखना चाहिए, जो रेफ्रिजरेटर का आइटम है तो रेफ्रिजरेटर में रखना चाहिए, सही रहेगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, पेज को अभी तक फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर दीजिएगा, ऐसा रिलेटेड वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करते रहते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।